हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटीएमएल फॉर्म की। तो बेसिकली फॉर्म क्या होते हैं, हम अपने डेली लाइफ में बहुत से फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे कि साइन अप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, या फिर अगर कॉलेज की बात करें तो कुछ स्कॉलरशिप फॉर्म, हॉस्टल फॉर्म, एडमिशन फॉर्म्स एंड रीचेकिंग फॉर्म्स, राइट। तो वो सब फॉर्म जो हम किसी वेबसाइट के ऊपर देखते हैं, वो कैसे बनाया जाता है, उस फॉर्म के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, कैसे उसको ऐड ऑन किया जाता है, आज उन सब की हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चेक आउट द कोड ऑफ अ फॉर्म एलिमेंट्स इन एचटीएमएल। तो गाइज, मैंने अपना जो बेसिक सिंटैक्स है उसको पहले से ऐड ऑन करके सेव करके रख लिया है, और इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं वेरी फर्स्ट सेंटर टैग के साथ में स्टार्ट कर रही हूँ, सो दैट जो भी हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं फॉर्म को हम बनाएंगे, तो वो सब सेंट्रलाइज पेज पे आके जो है वो हमें शो हो। नहीं तो हमें क्या करना पड़ना था, अलाइन लिखना पड़ना था, राइट, कि हर एक एलिमेंट में मैं अलाइन कर दूं तो वो सब सेंटर ऑफ द पेज में आ जाए। इसके लिए बेटर टैग है सेंटर। ओके, तो फॉर्म के लिए हम लिखेंगे फॉर्म, एंड आफ्टर दैट फॉर्म क्लोज करेंगे। अब जो भी टैग हमने लिखने हैं वो सब इसके बीच में लिखेंगे। तो फॉर्म अपने आप में एक मेन एलिमेंट है, ठीक है जी। अब जैसे कि हमने इनपुट फील्ड देना है, जैसे लिखा होता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो वो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कैसे आता है, उसके लिए हमारे पास है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा लेबल। सो लेबल क्यों, लेबल फॉर द मेन एंट्री, ठीक है। जैसे मैं लिखा लेबल फॉर फर्स्ट नेम, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, लेबल क्लोज भी करना होगा। सो लेबल क्लोज, एंड जहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, ओके, एफ नेम, ओके। सो इसको इनपुट टेक्स्ट देने के लिए, मतलब एक फील्ड है जहां पे अपना नाम मैं फिल कर पाऊं, तो उसके लिए हम लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ओके। इसके बाद आपको एक आईडी और नेम देना होगा अपने टेक्स्ट इनपुट फील्ड को। आईडी नेम देने का मतलब क्या है, कि जो पर्सन आपकी आईडी और नेम के साथ में डील करेगा, मतलब जो भी डाटाबेस के साथ में हैंडलिंग करते हैं, उनको आईडी नेम इन सब का नीड रहता है, तो इसलिए हम पहले से उसको ये सब लगा के दे देंगे, सो दैट उस बंदे का कोई भी टाइम जो है वेस्ट ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे लेबल फॉर इक्वल्स टू लास्ट नेम, ओके। सो लास्ट नेम, लेबल क्लोज, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, एंड सेम प्रोसेस फॉर द अनदर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। सो आईडी इक्वल्स टू लास्ट नेम, ओके। सो नेम इक्वल्स टू लास्ट नेम, इसको सेव करके एक बार इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं कि कैसे इसके आउटपुट, ठीक है, कैसे आउटपुट शो होगी। तो उसके लिए मैंने पेज को ओपन किया, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो फर्स्ट नेम एंड देयर लास्ट नेम। अब कुछ रेडियो बटन बना के देखते हैं कि रेडियो बटन कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। सो फॉर द रेडियो बटन, लेबल फॉर जेंडर, इसके लिए हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, ओके। सो रेडियो बटन के लिए हमें क्या चाहिए, अब इसमें हमें ना एक बात का ध्यान रखना होगा गाइस, कि आईडी जो है आईडी इक्वल्स टू मेल, ओके, नेम इक्वल्स टू, नेम जो है कॉमन रहेगा सबका, सो जेंडर, एंड वैल्यू इक्वल्स टू मेल, ओके। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, कि जब भी हम रेडियो बटन बनाएंगे तो उसका आईडी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट नेम का जो ऑप्शन है, दैट इज जो मैंने जेंडर लिखा है, वो हम जितने भी रेडियो बटन बनाएंगे सब में सेम पास करने वाले हैं, ओके जी। सो बाकी के भी ऐसे ही बना लेंगे, ओके। तो हमने सब डाटा जो है लिख लिया है, अब उसको सेव करके इसके आउटपुट को चेक करते हैं, ठीक है। सो हियर वी गो।
ओके सो हियर वी गो गाइस, आप देख सकते हो जेंडर मेल और फीमेल, तो यही तो रेडियो बटन, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे चेक बॉक्सेस की। ओके सो फॉर चेक बॉक्स हम लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेक बॉक्स। ओके सो अब इसमें क्या करना है हमें, चेक बॉक्स में आई डी इक्वल्स टू, मान लीजिए हम कोर्स की आई डी बना रहे हो, तो मैंने लिख दिया आई डी इक्वल टू कोर्स। ओके कोर्स के बाद हम लिखेंगे नेम इक्वल्स टू, मान लीजिए कोर्स वन। ओके इसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू, सो वैल्यू इज इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने लिखा बी ए। ओके सो इसको करना है क्लोज इनपुट टाइप से, इससे क्या होगा कि बॉक्स बन के आ जाएगा। और बाकी हमने जो भी कोर्सेज बनाने हैं उसके लिए हम लिखेंगे लेबल फॉर, जैसे मैंने लिखा लेबल फॉर बी ए। ठीक है बाहर हम लिखेंगे बी ए एंड लेबल क्लोज, तो ऐसे बाकी के लिए भी चेकबॉक्स बना लेंगे और देन इसके आउटपुट को हम चेक करेंगे। सो गाइस मैंने अपना जो पूरा कोड है वो राइट डाउन कर लिया है, अब इसके आउटपुट को चेक ऑन करेंगे। तो हियर यू कैन सी बी ए एम ए बी सी ए, तो दैट मीन की दैट इज द पार्ट ऑफ चेक बॉक्स। ओके सो नेक्स्ट हम लास्ट में इसको एक सबमिट बटन देंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर सबमिट बटन यू हैव टू राइट लाइक input type equals to submit and value equals to submit. Okay, submit की जगह login भी लिख सकते हो, value just the name for that submit button. And now check out the functionality. So there you go, submit. यहाँ पे हमने कुछ नाम fill up किया, ठीक है, last name, कुछ gender, देन कुछ क्वालिफिकेशन टिक किया एंड सबमिट। सो देयर वी गो, हमारा जो फॉर्म है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस इन वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल विच इज द सम्राट टेक्नोलॉजीज। थैंक यू सो मच।